एक बार सुना था हमने कि कच्छ का जो रेगिस्तान है वो बहुत बड़ा है, वो आज देखने से पता चल गया, क्योंकि आप देख सकते हो कि पेड़ पौधा तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं भी पेड़ पौधा नज़र नहीं आ रहा है, और पूरा का पूरा जो है यहाँ पर खाली जगह। नज़दीक में ही समुद्र है, समुद्र भी नज़दीक में है, इसीलिए यहाँ पर जो है रेगिस्तान होने की वजह से ही यहाँ पर गवर्नमेंट ने ज़मीन इन लोगों को दे दी है, जैसे अडानी वगैरह ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनको, ताकि यहाँ पर ये लोग अपना व्यापार कर सके। ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अपना सोलर का प्लांट बिठा रहे हैं ये लोग, और सोलर का प्लांट ये कई किलोमीटर तक है, मतलब कई 100 किलोमीटर तक, 45 किलोमीटर तक तो सिर्फ एक कंपनी ने काम लिया हुआ है। इस तरह से मतलब पता नहीं कितना किलोमीटर तक है, 200, 250, 300, कितना किलोमीटर तक होगा ये पूरा का पूरा। तो इन लोगों ने ये काम लिया हुआ है यहाँ पर, हम भी चले आए भाई काम करने के लिए, लेकिन सोचा कि यहाँ का थोड़ा सा बनाना चाहिए वीडियोस वगैरह, तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। और देख रहे हो ट्रांसफार्मर वगैरह बैठ रहा है इधर, सीमेंट का जो है प्लांट लगा हुआ है यहाँ पे, सीमेंट तैयार होता है खुद का इन लोगों का। तो ये ओवरऑल अभी अडानी के प्लांट में है, और ये कंटिन्यू जो है ये अभी इसका काम चल रहा है, अभी 10 साल का काम यहाँ पर बाकी है। तो एक तरह से ये है कि एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, बस थोड़ा सा दिक्कत ये है कि आपको शहर यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, वो भी छोटा मोटा शहर मिलेगा जहाँ से थोड़ा बहुत आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़रीद सकते हैं, बहुत दूर है। यहाँ से खावड़ा पैदल 70 किलोमीटर दूर पड़ता है, फिर वहाँ से आप मतलब बिल्कुल समझ लीजिए कि इमरजेंसी में कुछ हो नहीं सकता है यहाँ पे, मतलब कुछ इमरजेंसी अगर अलर्ट होना पड़े तो जैसे सुनामी या कोई तूफान वगैरह, तो बड़ा मुश्किल हो सकता है यहाँ पे। वैसे तो गाड़ी वगैरह है यहाँ पर, लेकिन पानी वानी भी सारी चीज़ें बाहर से आती है यहाँ पर, एम्प्लॉय को पीने के लिए नहाने धोने वाले भी पानी बाहर से लाते हैं लोग, और काफ़ी सारे लोग काम करते हैं यहाँ पर, अच्छे खासे पैसे भी कमाते हैं भाई, जो बात है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है थोड़ी सी दूर भी हो रही है कुछ लोगों के लिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया को तो रोज़गार नहीं मिल सकता है, लेकिन काफ़ी दूर है यहाँ पे भाई, आपको कुछ नज़र नहीं आएगा आसपास में, देख सकते हैं कहीं भी कुछ नज़र नहीं आने वाला, पूरा डिज़र्ट है, पूरा जो है रेगिस्तान है। तो जिन लोगों को काम वाम करना हो तो भाई वो कांटेक्ट कर सकते हो इन लोगों से, जो क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। बस चक्कर ये है कि थोड़ा सा हार्ड काम है, आप देख सकते हो ये केबलिंग वगैरह है, ये केबलिंग का काम होता है, केबल वगैरह खींचना पड़ता है लोगों को, हम सब मिलके खींचते हैं, और ये सब पूरा पैनल वगैरह लगा हुआ है, ये सब मैकेनिकल वर्क भी हुआ पड़ा है, सब करते हैं। ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रैक्टर में लगकर उसको खींचा जाता है, सब लोग खींचते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को वीडियो में फेस आना पसंद नहीं होता, इसलिए मैं अभी बिना मतलब किसी अकेले अकेले वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो देख सकते हैं आप पहले चलते जाइए, कई किलोमीटर तक तो कुछ नज़र नहीं आएगा, मतलब बहुत बड़ा डिज़र्ट है। अगर यहाँ पे कोई भी अगर साधन ना रहे तो आदमी मर सकता है, अगर ऐसे ये गाड़ियाँ खड़ी है, स्पेशल लोग आते जाते हैं, सामान आते लाते हैं। बाकी अगर देखा जाए, अगर कोई इंसान अकेला आके फंस जाए तो इधर ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। और रसेल बाइपर करके आपने एक स्नेक देखा होगा, जो मिट्टी और टेढ़ा टेढ़ा करके चलता है, इसकी पूंछ बजाता है, वो सांप भी, वो सांप भी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, एक दो लोगों को काटा भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं, काफ़ी काम करने के लिए काफ़ी लंबा लंबा दूर, अब जैसे देख रहे हो कि कुछ मेटल घटा तो वहाँ से आके लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बहुत शौक था कि भाई सोलर में जाके काम करना है, इसीलिए हम आए सोलर में काम करने के लिए। थोड़ा सा
मार्केट वार्केट आसपास है नहीं, 60-70 किलोमीटर। साथ में काम करने वाला वो बोल रहा है इतना लेना ही लेना है, बोले ना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भाई कभी आप ऐसे जगह पे काम करना पसंद करेंगे। ठीक है, गाड़ी वाड़ी की व्हीकल्स की सुविधा है तो बहुत अच्छा है। अगर व्हीकल्स नहीं हो, सोचो कि सब लोग चले जाए, किसी वजह से कोई फंस जाए तो वो फंसा ही रह जाएगा, ये तो बात तय। तो ये चीज़ है, ये लोकेशन देख लो आप, दूर दूर तक आपको कोई प्लांट्स नज़र नहीं आने वाले। प्लांट्स नज़र भी आने वाले, छोटे मोटे घास जो है बस वही रहते हैं, उससे ज़्यादा वो भी गर्मी पड़ती है वो सूख जाएंगे बारिश की वजह से, वो भी अभी निकल आया है। बारिश अगर ख़त्म हो जाती है तो ये प्लांट्स भी आपको नहीं दिखाई देंगे, यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे। देखो आप, देखा आपने गेस क्या होगा, यहाँ पर एक भी पक्षी नहीं है। और समुद्र लोग बताते हैं यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूर है, पता नहीं, कोई जाने का अलाव नहीं है वहाँ पर, तो हम लोग जा भी नहीं सकते। तो यही सब है, चल रहा है किसी तरीके से। और तो बताइएगा भाई, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों को व्यू कैसा लगा ये। और चेहरे भी पचक गए यहाँ पे आने के बाद मेरे ने यार, जो भी है, जो किसी भी पोस्ट पे हो, वो चाहे वो हेल्पर हो, सुपरवाइज़र हो, इंजीनियर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी यहाँ पर रहता है उसका चेहरा, बॉडी सबसे पहले डाउन होता है। मतलब सेहत ख़राब नहीं होता है, मतलब वर्क ऐसा है, चलना पड़ता है, काम करना पड़ता है, मेहनत का काम है, तो थोड़ा सा बॉडी जो है, मतलब आपका जो इसका पेट वेट निकला रहता है ना, जो देखते हो जिम में जो साइकिलिंग करते हैं या दौड़ते रहते हैं सड़क पे, भाई मैं उन लोगों के लिए कहता हूँ कि वो यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर चले हमारे साथ, गारंटी के साथ अगर वेट नहीं कम हुआ ना, तो फिर कोई, वैसे क्या साइकिलिंग करने से कुछ नहीं होता है, वो दौड़ने फोड़ने से कुछ नहीं, वो दिखावा है। आओ हमारे साथ काम करो तो पता चलेगा ये कैसे वेट कम होता है, वेट लॉस कैसे होता है। हाँ तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।